अगर हमारी बेटियों में, देखिए इनमें तहसीब भी है और तमीज भी। आज जिस तरीके का इन्होंने मुजाहिरा किया बहुत अच्छा है, इन बेटियों को तालीम दिलाई है। और मौलवी साहब ने कहा मैं आपको तोसने वाला हूं चार चीजों की आप तालीम दिलो। पहले आप अरबी और उर्दू तो दिलाई रहे, उसके साथ साथ एक बच्ची बोल रही थी इंग्लिश में, क्या नाम था उसका, अमरीन बानो, इंग्लिश भी पढ़ाओ। मौलवी साहब ने कहा कि भाषा जो है, अगर भाषा अरबी एक ही रहती तो ये कुरान इंग्लैंड में बैठा हुआ या अमेरिका में बैठा हुआ आदमी कैसे पढ़ता है और हिंदुस्तान का आदमी कैसे समझता है उसको। इसलिए जो वर्ल्ड में 6600 भाषाएं हैं वो तो हमारे लिए जरूरी है, उनमें से चार भाषाएं यहां सिखाओ, इंग्लिश, हिंदी, अरबी और उर्दू, इन चारों को पढ़ाओ आप, साथ साथ बच्चों का विकास होगा, उनको जानकारी होगी। और ये काम जो आपने शुरू किया है बहुत अच्छा काम किया है और जिम्मेदारी से कोई मिलेगा अभी, ये वो बच्चे देखो चारों छुटली वापिस आ गए, बहुत बहुत धन्यवाद, ये वहां से गई भी वापिस आ गया कि हमारा जिक्र चला। तो मैं आपको इतना ही कहते हुए तीन बातों को रिपीट करूंगा, एक सर्व समाज ने आज जो नमूना पेश किया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, एक आप सब लोग आए हो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, एक आप सब लोगों ने इसमें इमदाद खैरात जो भी आपने दी है जिस खाते में भी दिए मुझे पता नहीं किस में दिए, उसके लिए सब दानदाताओं को बहुत बहुत शुक्रिया, एक गांव वालों ने इतनी व्यवस्थाएं की उनको शुक्रिया, और एक ये माँ बहनें आई हैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप सब लोगों ने वो शानदार प्रोग्राम किया, वो जानदार प्रोग्राम किया, उसके लिए बधाई। और इस पंडाल में जितने लोग बैठे हैं उन सबको मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। ब्रह्म जी आज अकेले क्यों आए थे, चौधरी साहब को देखो पूरा ले रहा है, पूरी टीम आई है, अभी बैठे हैं नीचे, डीओ साहब भी बैठे, किचड़ साहब है ना, सिर ही दिख रहे किचड़ साहब, बाकी को दिख जाते मैं सिर अलग हूँ अनुमान लगा रहा हूँ। तो ये नमूना आज आपने पेश किया, हमारे आज के मेहमान थे अली खान जी, मुश्ताक साहब और लुकमान साहब, जमाल साहब बंदूकिया, हनीफ साहब, ये सब मेहमानों का भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप आज के इस कार्यक्रम में आए। और वो तो थे ही कसी में थोड़ी कसी मांगे तो लागू जाए दूसरे गांव में तो बड़े तो थे ना, लोग रिकॉर्ड रखे तो बड़े तो थे के हो, अरे मारी बात सुनो मैं